परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान हो जाता है। हालेलुया। आज इस धन्यवादी पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलते रहे। हालेलुया। वो धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। उसने आपको संभाल के रखा, उसने आपको आपके जीवन में हर एक प्रकार की कठिनाइयों को दूर किया, आपके कष्टों को दूर किया। परमेश्वर ने आज आपको बचा के रखा, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। कई लोग इस संसार में आज का दिन को देखना चाह रहे थे होंगे, आज कई लोग आज के दिन में जीवित रहना चाह रहे थे होंगे, लेकिन कई लोग समाप्त हो गए, कई लोग खत्म हो गए, और कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कई लोगों को मुसीबत आया, कई लोगों को बाढ़ विपदा में आए और बाढ़ ने उनको बाहर चले गया। कई लोगों के जीवन में हम देखते हैं अभी कुछ दिन पहले भूकंप का झटका लगा, कई लोग मर गए। और एक जगह में तुर्किस्तान में मैं जब देख रहा था तो बताया जा रहा है कि वहां पे एक बस पलट गया, वहां पे लोग मर गए। आप बस का यात्रा किए, आप ऑटो चला के गए, आप चार पहिया चला के गए, आप दो पहिया चला के गए, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई भी प्रकार का हानि होने नहीं दिया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर को हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, उस महान परमेश्वर को हमेशा हमको जो सत्य बोलने के लिए सिखाया है हमको सत्य बोलते रहना है। हालेलुया। वो क्योंकि सत्य का आत्मा है। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन में जैसे हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा गया है, जब यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है कि मैं जाने वाला हूं, मेरा समय आ चुका है, अभी मुझे लोग मारेंगे कूटेंगे और उसके बाद में मुझे मृत्यु में मुझे डाल देंगे, लेकिन मैं जीवित होऊंगा और उसके बाद में मैं स्वर्ग के राज्य में मेरे पिता के पास में चले जाऊंगा। हालेलुया। मैं वहां पे जाकर तुम्हारे लिए घर को बनाऊंगा। हालेलुया। जब घर बनाने के लिए हमारे यीशु मसीह गया है, तो ये यीशु मसीह जब घर बनाने के लिए गया, वो घर बनाने के लिए नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह ये भी बोलता है, वायदे का परमेश्वर हमको ये बोलता है कि मैं शीघ्र तुम्हारे लिए एक सत्य का आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा तुम्हारे लिए वकील के जैसे काम करेगा, ये सत्य का आत्मा तुम्हारे लिए माता पिता के जैसे काम करेगा, ये सत्य का आत्मा तुमको सत्य के मार्ग पर चलना सिखाएगा, ये सत्य का आत्मा तुम्हारे जीवन में इतना सामर्थ्य देगा कि जिस जगह में तुम बोलोगे वो जगह में तुम कटनी को काटोगे। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा जिस जगह में चलेगा उस जगह में मरुभूमि में भी परमेश्वर सिंचाई को करेगा और तुम 100 गुना लगने पाओगे। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो केवल हम एक जगह में नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन धन्यवाद दे देकर हम परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को हम फैलाते रहेंगे। हालेलुया। तो कितना महान परमेश्वर है। आज अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय उसका 97 पद से लेकर उसका 102 पद तक पढ़े। यहाँ पे लिखा गया है, आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से भी मुझे अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरे चितौनियों पर लगा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा ध्यान परमेश्वर की चितौनियों पर लगे रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, हमारा ध्यान आज संसार की ओर नहीं लगना चाहिए, हमारा ध्यान आज धन दौलत की ओर नहीं लगना चाहिए, हमारा ध्यान आज कितना हमारे पास में हो धन दौलत उसकी ओर नहीं, लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर का चितौनी की ओर में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। उसका चितौनी को जब आप मानेंगे, उसका राज्य का जब आप खोज करेंगे, तो लिखा गया है ये सारी वस्तुएं तुम्हारे जीवन में मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इस साल आपने एक घर बनाया, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में इतना आशीष देगा कि आप डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी बनाएंगे। आमीन बोलिए ना। हालेलुया। आपने एक हार पहन के रखा है, अभी परमेश्वर को जब आप देने वाले बनेंगे, परमेश्वर दुगुना रीति से आपको और भी हार हार पहनाते रहेगा। हार बोलने से हारने वाला हार नहीं, हार बोलने से आपके जीवन में परमेश्वर नया नया कार्य को करते जाएगा,
ये जो हार आपके जीवन में आप पहनते हैं, सोना का, चांदी का, रुपया का, और उसके बाद में जितना भी गहना आप पहनते हैं, ये बात सही है, लेकिन परमेश्वर के वचन पे लिखा है परमेश्वर के वचन को गहने के जैसे पहन के रखना। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन को, उसका चितौनी को, उसका वचन को जब हम मानेंगे, सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, और उसको जब हम अपने अपने हृदय से लगा के रखेंगे, तो वचन में, नीति वचन की पुस्तक में लिखा गया है, रात के भय से तुझको बचाएगा। हालेलुया, अचानक आने वाली आंधी से भी मैं तुझको बचाऊंगा, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। हालेलुया, आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने ये चितौनियों को दिया है और उसको आप मानकर अगर आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। ये संसार में कितने शिक्षक हैं, संसार में कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनसे भी बढ़ के परमेश्वर आपको बुद्धि देने जा रहा है। हालेलुया, बुद्धि का परमेश्वर, समझ का परमेश्वर, साहस का परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर आपको इतना अनुग्रह करना चाहता है इस साल कि आप धन्यवाद बोलते बोलते थकना नहीं है। हालेलुया, जब आप धन्यवाद बोलेंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपको और भी देते रहेगा। परमेश्वर को जब आप धन्यवाद रूपी बलिदान को जब परमेश्वर के समीप में आप चढ़ा देते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर आपको मिलने के लिए आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, इसी मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने 2024 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपने बेटा को, इस एक लौता बेटा को आपके जीवन के लिए भेज दिया, मेरे जीवन के लिए भेज दिया, ताकि उसके लहू बहाए जाने के कारण से पाप से हमको क्षमा मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, वचन में हम पढ़ रहे हैं उसकी चितौनियों के बारे में, उसके नीचे में लिखा गया है, मैं पुण्यों से भी समझदार हूं क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूं। हालेलुया, उसका उपदेश को जब हम पकड़ के रखेंगे, उसके वचन को जब हम अपने जीवन में व्यतीत करेंगे, जब उसके अनुसार हम चलेंगे, तो रात के भय से भी तू दूर रहेगा, और सुबह के समय में जो महामारी आती है उससे भी परमेश्वर तुझको बचा के रखेगा। हालेलुया, ये महामारी, अभी कुछ दिन पहले कोरोना, कोविड का एक महामारी चल रहा था, हमारे चर्च के लोगों को, एक लोगों को भी कोरोना नहीं हुआ, आमीन बोलिए। हालेलुया, वैक्सीनेशन आया, हम गवर्नमेंट का धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके ऊपर में सबसे बड़ा वैक्सीन यीशु मसीह का लहू का वैक्सीन है। हालेलुया, हालेलुया, वो वैक्सीन जब आपके जीवन में लग जाता है ना, तो कोई भी प्रकार का परेशानी, कोई भी प्रकार का शैतानिक ताकत आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया, कुछ दिन पहले मेरी बेटी को 5 इंजेक्शन लगा, और वो 5 इंजेक्शन इसलिए लगाया गया क्योंकि इसको कहा जाता है वैक्सीनेशन, और ये वैक्सीन जब लगता है तो उसके बाद में क्या होता है, वैक्सीन लगने के बाद में रात के समय में क्या होता है, बच्चे को बुखार आ जाता है, बच्चे छूने भी नहीं देता है, और ऐसा दर्द होता है उसको कि उस जगह में छूने के बाद में वो कैसे लगता है, रोता है, रोती है। हालेलुया, 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 परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में जाता है वैक्सीन के जैसे काम करना चाहिए। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आएगा, बुखार नहीं आता, इसमें कैसे लगता है, मेरे जीवन के लिए वचन है। हालेलुया, मेरे परिवार के जीवन के लिए वचन है, और ये परमेश्वर का वचन आपको मारता भी है और आपको झिलाता भी है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन, उसका चितौनी को जब हम मानते हैं, उसके अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर आपको स्थिर आत्मा दे देता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, स्थिर आत्मा दे देता है। ये स्थिर आत्मा किसके ऊपर में उतरा, हम जानते हैं, ये स्थिर आत्मा जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है, जो कबूतर के समान में यीशु मसीह के ऊपर में उतरा। हालेलुया, यीशु मसीह उस जगह में जब बपतिस्मा लेने के लिए गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से उसने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा के समय में उसके ऊपर में कबूतर क्यों उतरा, कौवा क्यों नहीं उतरा, अभी ध्यान से आप लोग सोचे इस बात को, कौवा क्यों नहीं उतरा उस जगह में, बगुला क्यों नहीं उतरा उस जगह में, बाज क्यों नहीं उतरा, क्योंकि बाज तो बहुत बड़ा है,
समझ रहे हैं आप लोग? उस जगह में परमेश्वर ने छोटे से एक पक्षी को क्यों दिखाया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पक्षी के बारे में, ये कबूतर के बारे में जब हम देखते हैं, पुराने नियम में लिखा गया है, ये कबूतर जिसको हम इंग्लिश में डाउन के नाम से जानते हैं, जिसको हम पीजियन के नाम से जानते हैं, ये डाव के नाम से जो जाना जाता है, इसको पुराने नियम में जब हम शांति के लिए जब हम जाया करते थे, और वहां पे लिखा गया है जब शांति के लिए सेक्रीफाइस किया जाता था अपने जीवन के लिए, तो किसका बलिदान किया जाता था? कबूतर का बलिदान किया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। कबूतर के समान ये सत्य का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर में क्यों उतरा? क्योंकि उसको पता चल गया, क्योंकि यीशु मसीह ही एक लौटा मेमना है जो जगत का शांति को लेकर आया है। कबूतर उसके ऊपर में उतरा, और ये कबूतर पवित्र आत्मा के रीति से जब उसके ऊपर में उतरा, शांति को लेकर उतरा। हालेलुया। ये यीशु मसीह शांति का प्रतीक है। ये यीशु मसीह और किसी भी धर्म को बदलने वाला नहीं है, ये यीशु मसीह दिल को बदलने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह हर एक लोगों से प्यार करने वाला है। यीशु मसीह आपको प्यार करने वाला है। यीशु मसीह मुझको प्यार करने वाला है। यीशु मसीह जाति जाति धर्म धर्म के लोगों को प्यार करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएगा, शांति को लेकर आता है, इत्मीनान को लेकर आता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यीशु मसीह के आने के बाद में जब सत्य का आत्मा आपके जीवन में उतर जाता है तो केवल आप धन को प्राप्त करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि धन प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं दिए हैं, हम यीशु मसीह को इसलिए जीवन को दिए हैं ताकि हमको बड़ा धन मिले और स्वर्ग में बड़ा धन मिले। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में बड़ा धन कब मिलेगा? जब आप प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हालेलुया। अभी सुबह के समय में अभी प्रार्थना करने के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी न्यू बोर्न आदि हुई है, तो रात भर थोड़ा सा हमको जगना पड़ रहा है, फिर सोना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 बजे सुबह तक सोना पड़ रहा है, क्योंकि रात का नींद पूरा नहीं हो रहा है। और हमारे पड़ोस में हमारे आ, आ, हमारे हमारे भाई रहते हैं मनोहर, और उनकी वाइफ को बता सकते हैं रात को कितना उनको भी जगना पड़ रहा होगा, कभी कभी आवाज आता होगा उनको, है ना। लेकिन उसमें मुझे बहाना नहीं मारना है कि मैं सुबह उठ के मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करने के लिए जब सुबह उठ रहा हूं तो कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। सुबह का प्रार्थना नहीं हो पा रहा है। 9 बजे उठ रहा हूं, 8 बजे उठ रहा हूं, सुबह का प्रार्थना नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर से मैंने बातचीत किया और परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, तू जब 4 बजे उठता है तेरी बेटी को संभालने के लिए, तुम दोनों पति पत्नी 4 बजे प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक खड़े घुटना में टेक कर अन्य अन्य भाषा बोलो। हालेलुया। और ये अन्य अन्य भाषा बोलने के बाद में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने मुझे बताया, इस चर्च में लोग इस समय 2024 में भविष्यवक्ताओं का झुंड के साथ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा का भाषा बोलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को उसके चितौनियों के अनुसार जब आप चलेंगे, तो आप जो बोलेंगे आपका परमेश्वर आपके जीवन से ऐसे ही आपके शब्द को खाली नहीं जाने देगा, लेकिन आपको भविष्यवाणी का सामर्थ्य देगा, आपको चंगाई का सामर्थ्य देगा, आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप जिस जगह में चलो तो आप ठंडा होकर नहीं चलो, लेकिन परमेश्वर के आग को लेकर चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज धन्यवादी पर्व का समय है, सत्य का आत्मा आपके ऊपर में है, मैं विश्वास करता हूं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने आपको सत्य का आत्मा से आपको परिपूर्ण किया है, आपको सत्य बोलते रहना है। हालेलुया। सत्य नहीं बोलने के कारण से क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं सत्य बोलने के कारण से क्या हुआ। हालेलुया। सत्य बोलने के कारण से
यहुन्ना को जो बपतिस्मा देने वाला है उसका सिर को काट दिया गया। हालेलुया। सत्य जब बोला पत्रस कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है तो पत्रस को उल्टा लटकाया गया। जैसे क्रॉस हम देखते हैं, क्रूस हम जब देखते हैं तो सीधा लटकाया गया था यीशु मसीह को, लेकिन पत्रस ने बोला मैं मेरे स्वामी की एकता बढ़ा रही हूं, मैं यीशु मसीह का बराबरी नहीं कर सकता, मुझे उल्टा लटकाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। पत्रस को कैसा लटकाया गया? उल्टा लटकाया गया क्रॉस में, उसका मृत्यु वैसा हुआ। लिखा गया है कई प्रेरित लोगों को, प्रेरित लोग बोलने से आज के प्रेरित लोग को नहीं बोल रहा हूं मैं, ये प्रेरित लोग जो 12 चेलों में से हैं, जिनको परमेश्वर ने प्रेरित बोल के बुलाया, जिनको अपना चेला बोल के बुलाया, कई लोगों को उबलता हुआ लिखा गया है तेल में भी डाल दिया गया। हालेलुया। लिखा गया है कई लोगों का चमड़ी उखाड़ दिया गया। लिखा गया है पौलुस को सर काट दिया गया। हालेलुया। कई लोगों को उल्टा लटकाकर आरी के साथ में उनको पूरी रीति से काट दिया गया, जैसे हम लकड़ी को काटते हैं सत्य बोलने के कारण से। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना सच बोल रहे हैं आज? आज कितना आप चढ़ावा परमेश्वर के सामने में लेकर आए हैं? मैं इस साल 100% को पाया हूं, 10% परमेश्वर का है। कितना लोग बोल के लाए हैं मुझे नहीं पता। आप में से कितने लोग 50% इस जगह में आप इस आपको आशीष मिला परमेश्वर का, कितना 5% को लेकर आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, उसका 1 पद से लेकर और उसका 9वां पद और 11वां पद तक यहां पे हम जब देखेंगे तो पता चलता है कि यहां पे क्या हुआ है। उस जगह में झूठ बोलने के कारण से, पवित्र आत्मा से छुपाने के कारण से, पवित्र आत्मा को सत्य नहीं बोलने के कारण से क्या हुआ हम देखेंगे। कितने लोगों के पास में बाइबिल है? अपने हाथों में खड़े करें, बाइबिल खड़े करें अपने हाथों में, प्रत्येक लोग। हालेलुया, हालेलुया। और बोलिए मेरे पीछे में, मैं आज जो वचन सुनूंगा या सुनूंगी, इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे सत्य बोलना सिखाए, उसके चितौनियों के अनुसार मुझे आशीष मिले। आमीन, हालेलुया। यहां पे हम जल्दी से हम पढ़ेंगे, यहां पे उसका जो शीर्षक आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सत्य बोलने के कारण से कई लोगों को मार दिया गया। यीशु मसीह का सत्य को लोग नहीं सुनना चाह रहे थे, लेकिन ये सत्य नहीं बोलने के कारण से क्या हुआ? प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, उसका 1 पद से लेकर उसका 11वां पद तक हम देखने जा रहे हैं। और यहां पे हनन्याह, और यहां पे किसके बारे में लिखा गया है? क्या बोल के नाम लिखा गया है? हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, उसका पहला नाम क्या है? उसके पति का नाम क्या है? जोर से बोलिए ना, हनन्याह। हालेलुया। और उसकी पत्नी का नाम क्या है? सफीरा। ये दोनों के बारे में हम देखने जा रहे हैं, और ये दोनों इस जगह में लिखा गया है पत्रस से मिलने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। क्या हुआ इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा जोर से पढ़कर हम इसके इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमको अगुवाई करने जा रहा है। अब प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर उसका 11वां पद तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहां पर लिखा गया है, और हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हालेलुया। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसको उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पत्रस ने कहा, हे हनन्याह,
शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। आज धन्यवादी का समय है, ये धन्यवादी देने का, ये परमेश्वर को धन्यवाद बोलने का समय है। परमेश्वर को, जब आपको परमेश्वर ने 10% दिया है, उसका एक भाग परमेश्वर को देना ही है। हालेलुया। लेकिन यहां पे हम देखते हैं ये परमेश्वर के सामने में, प्रेरित के सामने में आकर जब भूमि में से बेचा हुआ धन को जब दिया, लिखा गया है उसको देने के पहले अपने पास में छुपा लिए थे लोग। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को ध्यान से शांत कराइए और कोई भी बातचीत ना करें, आराम से इधर देखिए, परमेश्वर का वचन को आप सुनिएगा कि परमेश्वर अपने कलीसिया से आज की सुबह क्या बोलता है। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था आज की सुबह, परमेश्वर ने फिर से मुझे बोला आज इस जगह में हम पहले घर के लिए प्रार्थना करने वाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है ये सत्य का आत्मा के सामने में हनन्या और सफीरा ने झूठ बोला। हालेलुया। आप इस जगह में, कितने लोग इस जगह में आए हुए हैं, आप सत्य का परमेश्वर को आप मानने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। यीशु मसीह जो आपको बुलाया, नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है, आपको सत्य का आत्मा के द्वारा सत्य बोलते रहना है। हालेलुया। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी अपने अंदर में परमेश्वर को कभी भी नहीं कोसना है, क्योंकि परमेश्वर को हम कोसेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परमेश्वर आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपके परिवार के अंदर में क्या चल रहा है, आपके जीवन के अंदर में आप क्या सोच रहे हैं, आप एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप जमीन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप धन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ में सहायता करना है या नहीं करना है, या फिर सिर्फ अपना ही वाह वाही करना चाहते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं परमेश्वर जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सत्य का आत्मा के सामने में कोई भी छुप नहीं सकता। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा अंधियारा नहीं लेकिन उजियाला है। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा एक ज्वाला के समान आपके सामने में कार्य करता है, ताकि आपके अंधेरे को दूर करके आपके जीवन में ज्वाला को लेकर आए, उजियाले को लेकर आए। वचन में लिखा गया है, अब कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे और वहां पे क्या लिखा गया है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए, और ये वचन कौन है, सत्य वाला वचन है। हालेलुया। जब आप सत्य के अनुसार जीवन को व्यतीत करेंगे, जब आप सत्य का आत्मा को लेकर अपने जीवन में उसके अनुसार आप जीवन को व्यतीत करेंगे, आपके सामने में जितना भी अंधियारा होगा परमेश्वर इस सत्य के द्वारा आपको उजियाला मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसको आशीष दिया, कुष्ठ को आशीष दिया, परमेश्वर किसको आशीष दिया, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसका पहला पद से लेकर उसका तीसरा और पांचवां पद तक जब हम देखेंगे, ये हम जाना माना ये वचन है, और वहां पे क्या लिखा गया है, हे मेरे दास, किसके बारे में लिख रहा है वहां पे, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, 45 अध्याय में किसके बारे में लिखा गया है, कौन सा राजा को परमेश्वर आशीष दे रहा है, क्या लिखा गया है, हालेलुया, अपने अभिषेक कुष्ठ के विषय में यह कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम के रखा है कि उसके सामने जातियों को दबा दो और राजाओं की कमर को ढीली कर दो,
उसके सामने मैं फाटकों को ऐसा खोलूं कि वो फाटक बंद ना हो जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन के लिए जो सत्य का परमेश्वर है, जब आप सत्य के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब वो परमेश्वर आपके जीवन के लिए जब उसके दरवाजे को खोल देता है, तो शैतान का कोई भी ताकत वो दरवाजा को बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। और ये परमेश्वर जब ये दरवाजे को बंद कर देता है, तो कोई भी सामर्थ वो दरवाजे को खोल नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में कौन सा दरवाजा बंद है आज? आपके जीवन में कौन सा आशीष बंद है आज? परमेश्वर को बोले, जैसे कुसरू के विषय में तूने मेरे जीवन के लिए लिखा है, मेरे जीवन में भी ऐसे ही बातचीत होने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में एक दरवाजा खुलने से उसमें संतुष्ट नहीं हो जाइएगा, आपके जीवन में परमेश्वर 7 दरवाजों को खोलने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर इस साल 10 प्रकार का आशीष को लेकर आया है। हालेलुया। 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 कबूतर के बारे में हम लोग अभी देख रहे थे, जिसको शांति का प्रतीक कहा जाता है। और हम जब देखते हैं कहीं पे अगर कैदियों को भी अगर छुटकारा मिलता है, कई सालों साल के बाद में अगर उसको आजीवन कारावास हो गया है, और उसके बाद में अगर जज के मन में उसके प्रति दया आया, और उसके बाद में दया आने के बाद में ये दया का प्रतीक के बाद में उसमें क्या किया जाता है, कबूतर को रखा जाता है। जिस कैदी को छोड़ने के समय में वो कैदी को जब छोड़ा जाता है, तो कबूतर को छोड़ दिया जाता है। हालेलुया। क्यों छोड़ दिया जाता है? ये कैद से एक कैदी निकल रहा है। हालेलुया। ये जो पिंजरा में बंद है, ये पक्षी, ये कबूतर, उसको भी उड़ा दिया जाता है। वो जो शांति का प्रतीक है, इसलिए वो उड़ के चले जाता है। शांति हो गया उसके जीवन। हालेलुया। परमेश्वर ये कबूतर को उड़ा नहीं दिया, लेकिन ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ को आपके जीवन में भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप स्वतंत्र हो गए हैं। इस स्वतंत्रता के बाद में आपके जीवन में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है, आपको पंख मिला है। हालेलुया। एक जगह में आप नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि परमेश्वर ने आपको पंख दे दिया है, ताकि आप उड़ उड़ के परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। 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 परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर में आएगा, ये सत्य का आत्मा जब तुम्हारे ऊपर में आएगा, तो तुम नया नया भाषा बोलोगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को पवित्र आत्मा का भाषा नहीं मिला? अपने हाथों को खड़े करें, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। हालेलुया। हालेलुया। रबाबा शबादाबा रिखाबा नलाला बोश शबादला रबांथलाला बोश शबादे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दास होने के नाते इस समय में जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के आग को मैं उतरते हुए देखता हूं। आज की सुबह इस जगह में पवित्र आत्मा का आग उतरने जा रहा है आपके जीवन में। आप नया नया भाषा बोलने जा रहे हैं, नया नया भाषा बोलने जा रहे हैं, नया नया भाषा बोलने जा रहे हैं। हालेलुया। 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 आप नया नया भाषा बोलने जा रहे हैं। ये नया नया भाषा और कोई भाषा नहीं, पवित्र आत्मा का भाषा है। कोई भाषा नहीं, पवित्र आत्मा का भाषा है। कोई भाषा नहीं, पवित्र आत्मा का भाषा है। ये पवित्र आत्मा का भाषा को लेकर जब लोग उस जगह में बोलना शुरू किए, तो लिखा गया है वहां पे अन्य जाति लोग उनके भाषा को सुनकर उस जगह में इकट्ठा हुए, और लिखा गया है कि एकाएक परमेश्वर का सागर उस जगह में उतर के आया। हालेलुया। 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 परमेश्वर का भाषा जब आपके जीवन में आएगा, ये सत्य का सामर्थ जब आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन से परमेश्वर गरीबी को, गंदगी को, व्यभिचार की आत्मा को, शैतान की आत्मा को निकाल कर आपके जीवन में परमेश्वर अपने सामर्थ को लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे पैलौटों के ऊपर में मैं अपने अग्नि का वर्षा करने जा रहा हूँ। 2024 में तुम देखोगे तुम्हारे पैलौट है तुम्हारे घर के अंदर में आशीष का कारण बने जा रहे। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने में झूठ नहीं बोल सकते, पवित्र आत्मा के सामने में हम झूठ नहीं बोल सकते। वचन में क्या लिखा गया है हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है पतरस के पांव के पास में उन्होंने अपने धन दौलत को रख दिया। धन दौलत को रखने के बावजूद भी वहां पे संतुष्टि नहीं हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों संतुष्टि नहीं हो रहा है? क्योंकि इन्होंने चढ़ावा तो चढ़ाया, धन्यवाद बलि को चढ़ाया, लेकिन इसमें से कुछ भाग को पहले छुपा के रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे लिखा गया है पत्रस, यहां पे लिखा गया है पत्रस को सत्य का आत्मा जो पवित्र आत्मा है उसको बता दिया कि यहां से कुछ बात तो गड़बड़ हुआ है। हालेलुया। 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 क्या लिखा गया है? सत्य बोलने के कारण से लोगों को मार दिया गया, लेकिन यहां पे झूठ बोलने के कारण से लिखा गया है हनन्याह मर गया। हालेलुया। हनन्याह मर गया, लेकिन हनन्याह के बाद में जब हनन्याह मर गया तो सफीरा उसके पीछे पीछे में आ गई। हालेलुया। 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 हनन्याह मर गया, परमेश्वर के दास पत्रस ने उनको बोल दिया अपने अपने जवानों को जाकर इसको गाड़ के आओ। गाड़ के आने के समय में सफीरा उसके पास में आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा गया है, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए इधर। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, स्वर्ग को भूखा सुनो सारा भूखा, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, सभी ताने सुना कहिए सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, स्वर्ग को भूखा सुनो सारा भूखा, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। किसका नाम अद्भुत है? जो सवाल है किसका नाम अद्भुत है? किसका नाम अद्भुत है? कौन है सत्य का आत्मा? जो सवाल है यीशु, यीशु। आपके जीवन में आज की सुबह अगर कोई भी प्रकार का बीमार को लेकर आए हैं, कोई भी प्रकार का बंधन को लेकर आए हैं, यीशु मसीह का नाम को उच्चारण कीजिए और इस जगह से छुटकारे को लेकर जाइए। हालेलुया। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा किसी को घूस लेकर नहीं आता, ये सत्य का आत्मा जो जितना पैसा दे देंगे तो जंजाल में जाएगा ऐसा नहीं आता, ये सत्य का आत्मा जिस जगह में जाता है आपको मुफ्त में आशीष देता है। हालेलुया। 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 लिखा गया है हनन्याह मर गया, उसको दंड मिला। क्यों दंड मिला? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के विरोध में बोला। कैसे विरोध में बोला? कैसे कार्य को किया? वो जो कुछ भी बेचा था उसमें से आधा तो वो छुपा लिया और पत्रस को क्या बोल दिया? इतना ही बेचा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में हनन्याह तो मर गया, लेकिन उसके पीछे पीछे में सफीरा उसकी वाइफ आ रही है, उसको भी पता है। हालेलुया। लिखा गया इसको पत्रस फिर पूछ रहा है कि
क्या तुमने इतने ही दाम में बेचा क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज क्या हो रहा है, लोग इधर से उधर से खड़े हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो लोग उधर प्रचार हो रहा है शायद आप लोगों का, इधर प्रचार कोई नहीं कर रहा है ना, इधर प्रचार नहीं हो रहा है, जो इधर से आना जाना हो रहे हैं, जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं उनको देख के प्रचार शुरू हो रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, कौन सा अध्याय यहां पे बोला जा रहा है बताइए, कौन सा अध्याय से प्रचार किया जा रहा है? अच्छा, पीछे अगर मैं पूछूंगा तो किसी को भी पता नहीं रहेगा, ये बीच में, बीच में अगर मैं पूछूंगा इधर इधर थोड़ा सा, तो ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा कि आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के लिए क्या बोलना चाहता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। हनन्याह झूठ बोला, हनन्याह झूठ बोलने के कारण से मर गया, लेकिन सफीरा को एक चांस और मिला था। कैसा चांस मिला? उसको पता है कि मैं जितना दाम में बेचे हैं हम लोग, उसमें से आधा तो हम छिपाए हैं, परमेश्वर के दास के सामने में नहीं रखे हैं। हालेलुया, यहां पे अगर वो सच बोल देती, हालेलुया, अगर वो बोल देती कि हमको माफी चाहिए परमेश्वर के दास, कि हम सत्य का आत्मा के सामने में हम लोगों ने झूठ बोला, उसके कारण से मेरा हाथ भी समाप्त हो गया, लेकिन मैं समाप्त नहीं होना चाहती, मैं सत्य का आत्मा के सामने में मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लेती हूँ और मैं मान लेती हूँ और उसको मैं छोड़ दूंगी, बोलने से उसके ऊपर मैं दया मिल जाता। हालेलुया, लेकिन किंतु परंतु लिखा गया है हनन्याह के साथ साथ सफीरा भी झूठ बोल रही। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसे बोलने में आता है ना, और हम ये जानते भी हैं कि आदम फल किसके कारण से खाया, किसके कारण से खाया, हवा के कारण से खाया। और क्या बोलते हैं कई लोगों के जीवन से, क्या मैं सुनाई में आया है कि हवा तो पाप की, उसके साथ साथ में आदम को भी लेके डूब के खत्म हो गई, उसको भी पाप करा दी। लेकिन यहाँ पे आदम पाप नहीं कर रहा है, और यहाँ पे कौन पाप कर रहा है, यहाँ पे हवा पाप नहीं कर रही है, यहाँ पे कौन पाप कर रहा है, सबसे पहले हनन्याह पाप कर रहा है, आदमी, आदमी मुखिया, जितने भी इस जगह में मुखिया बैठे हुए हैं आप लोग, जब आप झूठ बोलेंगे आपके आने वाला पीढ़ी झूठ बोलेगा, जितना आप सत्य के मार्ग में चलेंगे आपका आने वाला पीढ़ी सत्य के मार्ग में चलेगा। हालेलुया, अगर आप आज की सुबह ये सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब बाप एक बोतल शराब पीता है उसके बाद में उसका बेटा तीन और चार बोतल शराब पिएगा। सत्य है ये मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता इस जगह में कि क्या हो रहा है संसार में। हालेलुया, बाप जब एक बिल्डिंग बनाएगा, जब बेटा आएगा तो उसका बाप से इंकरेजमेंट लेके आएगा, दो और तीन बिल्डिंग बनाएगा। जब बाप के पास में सही कमाई रहेगा, सत्य का कमाई रहेगा, सत्य के अनुसार चलता हुआ उसको देखेगा, सुबह उनके प्रार्थना कर रहा है मेरा बाप और मेरी माँ बोल के देखेगा, आने वाले समय में वो भी प्रार्थना करेगा, उसकी वाइफ को भी प्रार्थना करेगा, उसके आने वाला पीढ़ी को भी सत्य में बांध के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल घरों में लड़ाइयां क्यों हो रही है, बेटे बेटियों में, क्यों? क्योंकि उनके मां बाप को उन्होंने क्या देखा है, झगड़ा होते हुए देखा है। कई बेटे बेटियों ने एक दूसरे को क्या किया है, हर्ट किया है, एक दूसरे को बोलने में उनको हर्ट कर दिया है। हर्ट का मतलब है उनको बुरा लगने के जैसे बोला है, बुरा लगने के जैसे उनको ऐसा सुनाई में आ रहा है। हालेलुया, कहां से सिखाई में आ रहा है,
चर्च में कोई बुराई करने नहीं सिखाया जा रहा, स्कूल में किसी को मारो पीटो बोल के सिखाई नहीं जा रहा, कहां पे सिखाया जा रहा है, घर में सिखाया जा रहा है। बच्चे मां बाप को कंट्रोल नहीं कर सकते, मां बाप बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे? वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। चलो चर्च जाने के लिए, नहीं मैं थोड़ी देर और थोड़ी देर में इधर रहता हूं ना, मैं रहती हूं ना। आपके बच्चे को जबरदस्ती लेके आओ ना, आप उनके मां बाप हो, वो उनका मां बाप, आपका मां बाप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर ज्यादा ऊंच नीच वहां पे बोला जा रहा है, और ज्यादा अगर आपका बेटा या फिर बेटी आपके बात को नहीं मान रही है, नहीं मान रहा है, नीति वचन के अनुसार लिखा गया है छड़ी भी चलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसा छड़ी चलाओगे मुझे नहीं पता, ये छड़ी मार मार के वो खत्म करने वाला छड़ी नहीं है, ये छड़ी ऐसा चलना चाहिए आपके मुंह से, परमेश्वर के वचन से, ताकि आप जो मुखिया है आपके पूरे परिवार को संभाल के रखने वाले बनना है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य का आत्मा जब कार्य करेगा तब होगा। हालेलुया। झूठ वाला आत्मा कार्य नहीं करने वाला, यहां पे झूठ का आत्मा कार्य नहीं किया, इसलिए हनन्या और सफीरा दोनों मारे गए। परमेश्वर के सामने में झूठ बोला इन्होंने, एक दूसरे के सामने झूठ ना बोले, एक दूसरे के सामने सत्य बोलकर एक दूसरे का प्रार्थना करे एक दूसरे के लिए, क्योंकि वचन में क्या लिखा गया है, जब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे सत्य का परमेश्वर तुमको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जगह में लिखा गया है, ये वचन का सेवकाई करने के लिए लोग धन दौलत को मांग रहे थे, उस जगह में अपना पेट भरने के लिए मांग रहे थे। इस जगह में लिखा गया है परमेश्वर के वचन पे, जब ये नया नया चर्च बना था, वो नया चर्च था उस समय में। हालेलुया, इस चर्च के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो प्रेरितों के काम में जो पहली बार जो चर्च उस जगह में स्थापना हुआ, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं था, कोई बड़ा हॉल बना के नहीं दिया गया था उस जगह में। आप प्रचार कर किधर है, प्रचार कीजिए, ताली बजाइए इनके लिए, प्रचार कर रहे हो। नहीं, नहीं हो रहा, प्रचार करना ठीक, ध्यान से बैठिए, प्रचार सुनिए, है ना। अभी अभी करने के लिए अभी आप सामने में आ रहा, आपके बच्चे भी प्रचार करेंगे, बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई प्रचार करना चाहता है, मैं देखूंगा इधर आप लोग प्रचार करते रहेंगे तो मैं इधर खड़े कर दूंगा। बहन लोग भी, भाई लोग भी, कोई भी, जब भी आप प्रचार करेंगे वहां से मैं इधर प्रचार करने आऊंगा, बोलूंगा इधर, आप मैं उधर ही आग बैठ जाऊंगा, ठीक है। हालेलुया, सत्य का आत्मा। हालेलुया, ये कौन है सत्य का आत्मा, कौन है, जोर से बोलिए ना, कौन है, यीशु मसीह है, बोलिए यीशु मसीह है। हालेलुया, ये सत्य का आत्मा को जब आप लेकर आते हैं तो झूठ उस जगह में नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य का आत्मा झूठ को दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और परमेश्वर आपको एक गुना नहीं 100 गुना आशीष देता है। यह सत्य का आत्मा कार्य किया, इसलिए इसहाक को लोग बोले कि वो मरुभूमि में जब तू फल को बोएगा वहां पे कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन वो उस जगह में बोया और उस जगह से 100% कटौती किया। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर सत्य का आत्मा को देना चाहता है। हालेलुया, झूठ का आत्मा को नहीं।
आपके जीवन में जब परमेश्वर लोगों को लेकर आएगा तो झूठ लोगों को लेकर नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई बोलने वाले लोगों के साथ में लेकर आएगा। हालेलुया। आपका पढ़ाई लिखाई उठना बैठना चलना फिरना बोलना बातचीत करना परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका धन दौलत रुपया पैसा मान मर्यादा इज्जत आपका नहीं है, यीशु मसीह का है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को प्रथम स्थान आप देते हैं, जब आप सत्य के स्थान में आप चलते हैं, जब सत्य के मार्गों पर चलते हैं, तो वचन पे लिखा गया है मार्ग सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है, और सच्चाई के कारण से लोगों को स्वतंत्रता मिलता है। हालेलुया। जब लोग झूठ को बोलते हैं तो स्वतंत्र नहीं हो सकते, जब सत्य का आत्मा कार्य करता है उस जगह में स्वतंत्रता मिलता है। आज की सुबह में परमेश्वर का दास इस जगह में आपके जीवन के लिए मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर आज बंधन से छुटकारे को लेकर आया है। आपके परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के शैतान ताकत से दूर करने के लिए आया है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए आपको सिखाना चाह रहा है। परमेश्वर के वचन से लिखा गया है मैं तेरे चितौनियों के ऊपर में ध्यान करता हूं। क्या करता हूं? ध्यान करता हूं ताकि मेरा मन ना डगमगाए, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे या फिर गौशाला में गाय पे ना हो, फिर भी मैं यहोवा के लिए अति मगन रहूंगा। हालेलुया। इस साल में धन्यवाद पर्व में अगर इतना नहीं चढ़ा पाया, परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए जो तेरे चितौनियों को लेकर आया है और वो चितौनियों के अनुसार मैं चलूंगा, आने वाला धन्यवाद में सबसे बढ़ के मैं चलाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये इतना ही होना चाहिए था क्या धन्यवाद पर्व का? क्यों? लोग क्या सोचते हैं जब बढ़ने का रहेगा तब ही हम चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन पे कहां लिखा गया है कि बढ़ने के वहां पे चढ़ाने के बाद में लोगों के सामने में बोली लगाया जाता था? कहीं लिखा गया है? मैंने सुना, मैं पढ़ा भी नहीं, इसलिए मैं इस बात को भी मैं नहीं करता। हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन में आप चढ़ावा लेकर आए हैं, परमेश्वर आपको दुगना रीति से इस साल आशीष देने जा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको डराने धमकाने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन आपको सिखाकर शांति में लेकर आने वाला है। जो से बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, बड़े बड़े कार्यों को आप देखेंगे। आपके जीवन में क्या चाहिए? अपने दाहिने हाथ को खड़े करके बोलिए, अभी अपने दाहिने हाथ को खड़े करें। आपके जीवन में कौन सा कमी है? आपको छुटकारा चाहिए, आपको धन का आशीष चाहिए, दौलत का आशीष चाहिए, मान मर्यादा का आशीष चाहिए? अपने दाहिने हाथ को खड़े करके बोलिए अभी। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, जितने भी लोगों ने अपने हाथों को खड़े करके इस जगह में प्रार्थना कर रहे हैं, इसी महीना के अंदर में उनके जीवन में तू लेकर आने वाला है। अगर आपके जीवन में आपको अभी तक आपके जीवन में वो आशीष नहीं मिला है, परमेश्वर को बोले कि आशीष इस महीना के अंदर में परमेश्वर को चलेगा। विश्वास करने वाले लोगों के लिए चिन्ह ठहराया गया। हालेलुया हालेलुया। सब लोग बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पे? हनन्याह और सफीरा लोग आए, और उसके बाद में दूसरा बात हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि वो जितना बेचे थे उसमें से अपने पास में उन्होंने आधा को रख लिया। तीसरा बात हम देखते हैं कि शैतान उनके मन में समाया। जो परमेश्वर के सामने में कुड़ कुड़ के देते हैं
परमेश्वर की ओर से नहीं देते हैं, शैतान उनके अंदर में समुआता है ताकि वो परमेश्वर को कुड़ कुड़ के देते रहे। कुड़ कुड़ के देने का मतलब है आप सही मन से परमेश्वर के सामने में नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर को कभी भी हम नहीं बोल सकते कि मैं इतना दिया था और उतना प्रतिफल मैं नहीं पाया। जब आप अपने पूरे मन से, जीवन से, धन को देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में नया आशीष को देता है। हालेलुया। मेरे पास में आइए इस सप्ताह और आप पूछिए कि परमेश्वर ने मुझे कितना आशीष दिया, और आप भी मेरे पास में आइए और मैं आपका गवाही लेना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले जब हम लोग इस जगह में जब हम बात कर रहे थे तो मुझे इस बात को सुनकर बहुत आनंदित मिला, मैं बहुत खुशी हुआ, क्योंकि एक हमारे चर्च में के अंदर का एक भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे चर्च में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। हालेलुया बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको 100 गुना प्रतिफल दिया है, काटने वाला सीखो। हालेलुया। कैसे काटना है वो सीखिए, कैसे बुनना है वो सीखिए, और सत्य का आत्मा आपको केवल बुनने के लिए नहीं बोल रहा है, इस साल काटने के लिए बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देश और विदेश से लोग आकर आपकी चरवाही करेंगे, वचन में लिखा गया है। आपको भी देश और विदेश जाने वाले बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान उनके मन में समाया, और उसका चौथा बात में लिखा गया है, पवित्र आत्मा से इन्होंने झूठ बोला, सच नहीं बोला। सत्य अगर बोले होते तो वो क्या होते, जीवित रहते। हालेलुया। अगर आपके मन में ये शंका आ रहा है, ये प्रश्न आ रहा होगा कि सत्य तो यहुन्ना भी बोला तो उसको क्यों मारा गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहुन्ना मरा नहीं लेकिन सो गया, क्योंकि सत्य बोलने वाले लोग अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हनन्या और सफीरा कहां गए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है सत्य बोलने के कारण से कई बार यर्मिया भविष्यवक्ता को गंदा गड्ढा में फेंक दिया जाता था। कई बार लिखा गया है सत्य बोलने वाला एलिया को कई बार राजा महाराजा लोग मारने के लिए आते थे। लिखा गया है एलिशा जब सत्य बोला करता था कई बार उसको महाराजा लोग उसको क्या करने के लिए आते थे, पकड़ने के लिए आते थे। लेकिन क्या लिखा गया है, सत्य बोलने के कारण से एलिया जब उठा लिया जा रहा था, एलिशा उसके पीछे पीछे में था, उसका चादर उसके ऊपर में उतर गया, बड़ा बड़ा कार्य एलिशा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह अगर आप सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, सत्य के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं, एलिशा का चादर आपके ऊपर में आज की सुबह उतरने जा रहा है, और जब आप नील नदी के सामने में जाकर खड़े होंगे और ये बोलेंगे कि एलिया का परमेश्वर कहां है, तो नील नदी तो आप में परिवर्तित हो जाएगा और आप उस सूखे स्थान से चलेंगे और उस पार, और उस पार जो लोग रहेंगे वो बोलेंगे कि एलिया के अंदर में जो सामर्थ था अब एलिशा के अंदर में उसका दुगना सामर्थ आ गया है। रबा शबाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एलिया के जैसे जरूर बने, लेकिन उसके साथ साथ एलिशा के जैसे दुगना सामर्थ के साथ में कार्य करने वाले बने। एलिया उस जगह में चला गया, उस जगह से ये सत्य बोलने वाला आत्मा, ये सत्य बोलने वाला आत्मा जो उसके अंदर में था, ये सामने में जाकर राजाओं के सामने में बोला, और क्या बोला, यहां पे अब फसम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एलिया बोला कि एलिशा बोला, फिलिस्तियों के सामने में जाकर किसने ललकारा, फिलिस्ती लोग थे वो लोग। वचन पढ़ने वाले बोलिए ना, कितने लोग बाइबल खत्म किए इस साल, दागोन के देवता के सामने में एलिशा था कि एलिया था, कौन था है?
मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग उत्पत्ति से लेकर अभी तक तो मलाकी तक तो पहुंच ही गए होंगे। दागों के देवता के सामने में कौन ज्ञान ललका रहा उन लोगों को, जोर से बोलिए ना, हाँ? कौन हाँ? कौन बोल रहा है एलिया, इधर कौन बोल रहा है, कौन था? अब तो बोलिए कौन था, आप जोर से बोलिए कौन था। सुबह से लेकर शाम तक ये लोग डांस कर रहे हैं उसके सामने में, और ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाए, भस्म कर दे, भस्म कर दे। और यहाँ पे लिखा गया है कि वो अपने आप को भी वो लोग क्या करने लगे, मारने लगे, कूटने लगे, उनको खून बहाकर वो वेदी के ऊपर में भी जाकर ये लोग क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। स्वर्ग से ना तो आग उतर रहा है, ना तो पृथ्वी में एक हवा भी चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? सत्य का आत्मा के सामने में नहीं नाच रहे थे। हालेलुया। लेकिन एलिया क्या बोल रहा है, कितना घड़ा पानी डालने के लिए बोला उसके ऊपर में, कितना घड़ा? अरे बाप रे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। फिर भी अनार की आम से लेकर अंग तक ही पहुंचे हैं हम लोग अभी। अंग अंग बोलते हैं, अंग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आखिरी शब्द कौन सा है वर्णमाला में है? बच्चे क्या है, ज्ञानी के क्या है ना, इसलिए हमारे चर्च के लोग बहुत ज्ञानी बन गए हैं अभी। किसी को पता ही नहीं है कि कितना घड़ा पानी वहां पे डाला गया था, बहुत ज्ञानी बन गए हम। कितना घड़ा पानी डाले है, जोर से बोलिए कितना घड़ा, सात घड़ा पानी डालने के लिए बोला कौन, एलिया। किसके सामने में, जो वेदी अलग से बनाया गया था वही वेदी में नहीं चढ़ाया। ध्यान से सुनिएगा, झूठ बोलने वाला वेदी अलग है, सत्य का आत्मा वाला वेदी अलग है। ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया। ये लोग क्या किए, दागोन के देवता के सामने में ये लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और वहां पे वेदी को बना के ये लोग क्या बोल रहे हैं, भस्म कर दे, भस्म कर दे, कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। सत्य बोलने वाला व्यक्ति जो भविष्यवक्ता कहला रहा है एलिया, यहाँ पे लिखा गया है अलग से वेदी को बनाया, किसके लिए, परमेश्वर के लिए। हालेलुया, परमेश्वर के वेदी में वही लोग ही देंगे जो परमेश्वर के सत्य के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। ध्यान देकर सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, समझने वाले भी समझिएगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। हालेलुया, मैं नाम लेकर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कई लोग बोलते हैं बाद में कि नाम लेना बच गया था, मैरिज को बोल रहा था इसलिए चर्च भी हम नहीं जाएंगे बोलते हैं आजकल लोग। तो इसलिए ध्यान देकर सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि आत्मा कलीसिया से क्या बोल रहा है। हालेलुया, झूठ वाला जो वेदी था वहां पे कोई आग गिरा नहीं, गिरा भस्म हुआ नहीं हुआ। एलिया बोला एक अलग से वेदी को मैं तैयार करूंगा, वहां पे लकड़ी को उसने रचा, वहां पे सात घड़ा पानी भरने के लिए बोला, वहां पे बहाने के लिए बोला। और वो क्या बोलता है, इसहाक याकूब और अब्राहम का परमेश्वर, मेरा जीवित परमेश्वर, मेरे इस बलि को स्वीकार कर। और वहां पे लिखा गया है अचानक से स्वर्ग से आग उतरा और उसको उसने समाप्त कर दिया, फसम कर दिया। सत्य का आत्मा को लेकर चलोगे तो शैतानिक आत्मा आपके सामने में फसम हो जाएगी। रबाबा शबला, हालेलुया, हालेलुया। आपके पैरों के ऊपर में जो सामर्थ पहने जा रहा है इस साल, वो सत्य का सामर्थ पहने जा रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हालेलुया। उसकी चितौनी के अनुसार हमको चलना है, उसकी चितौनी के अनुसार हम अपने जीवन में उसको मानकर चलते रहना है, समझते रहना है, बातचीत करते रहो, सत्य के साथ में बातचीत करते रहो। हालेलुया। 5 मिनट प्रार्थना करने नहीं हो रहा है, जबरदस्ती प्रार्थना करो, 10 मिनट तक प्रार्थना करो। अगर आधा घंटा तक प्रार्थना करने नहीं हो रहा है, जबरदस्ती क्या,
जबरदस्ती प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से शैतान को क्या लगता है, ये व्यक्ति बलवान तो होते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है इस संसार में, इस आत्मिक युग में क्या हो रहा है, हमको पता नहीं चलता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होते रहता है। हालेलुया। चोर आएगा तो चोर वहां से चोरी करके नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में जो बलवान पुरुष बैठा है वो शैतान नहीं होता है, वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा बैठे होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सत्य का आत्मा को पाने वाले लोग बोलिए आमीन, आमीन। आपके जीवन में अगर आज तक आपने पवित्र आत्मा का भाषा नहीं बोला है, ये साल आप तैयार हो जाएं, परमेश्वर आपको बड़े स्थानों में पहुंचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं केवल एक व्यक्ति का नाम लेकर अभी मैं बोलूंगा जो पहलौठा है, और पहलौठा परमेश्वर का है। यशरून, तू परमेश्वर के लिए सुलझा गया है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है तू एक पहलौठा बेटा है उन तेरे घर का, और तू पहले से बेटे को लेकर परमेश्वर देश और विदेश में कार्य कराना चाहता है। तू अपने आप को तैयार कर मेरा बेटा, और परमेश्वर का सामर्थ बोलता है तेरे जरिए मैं बड़े बड़े कार्य को करूंगा, बड़े बड़े कार्यों को ले जाऊंगा और कराऊंगा, और बहुत से लोग तेरे जीवन के जरिए आशीष को प्राप्त करेंगे। बोलिए ना आमीन। अभी मैं एक पहलौठे के लिए मैं बोला हूँ, लेकिन जितने भी पहलौठा आज की सुबह इस जगह में बैठे हुए हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके बच्चों के ऊपर में ये सामर्थ्य के कार्य को मैं उड़ा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से। राबा बाबा बा शबा दबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी पहलौठे लोग हैं, पहला बेटा पहला बेटी अपने स्थान पे खड़े हैं, पहला बेटा पहला बेटी। हालेलुया, जल्दी खड़े हो जाए, अपने स्थान में खड़े हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। रखा मान थोड़ा बोलो तो समान देना बारी अंदर को। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सके तो आप थोड़ी देर के लिए सामने में आ जाए, सामने में आ जाए। मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करके आज की सुबह इस जगह में आया था, क्योंकि परमेश्वर पहलौठे को आज आशीष देने जा रहा है। पहलौठे को वो आशीष देने जा रहा है, पहलौठों को वो आशीष देने जा रहा है, पहलौठों को वो आशीष देने जा रहा है। जो पहला बेटा है, पहला बेटी है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। ये परमेश्वर का आत्मा इस जगह में जब कार्य किया है, परमेश्वर बोलता है मैं तुमको पूछ नहीं लेकिन सर बनाऊंगा। हालेलुया। जितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, अपने मुंह को खोलकर हम धन्यवाद देना शुरू करें, पवित्र आत्मा का भाषा बोलना शुरू करें। बाबा 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 जितने भी बच्चे इस जगह में खड़े हैं, जितने भी पायलट इस जगह में खड़े हैं, अपने मुंह को खोल कर हम धन्यवाद देना शुरू करो, धन्यवाद देना शुरू करो, धन्यवाद देना शुरू करो। रामा मामा शमा दे अपने हाथ को खड़े करे, ऊंचा करे, ऊंचा करे, ऊंचा करे। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग प्रार्थना करें। आज इस जगह में एक भाई इस जगह में नहीं है, वो किसी कारणवश अपने 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 काम में गया है। मैं उसका नाम लेकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आकाश भाग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आकाश भाग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उसके जीवन में परमेश्वर आशीष दे, उसके जीवन में परमेश्वर आशीष दे। अब तुम्हारे पहलौठे को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। ऊंचे सोच से, ऊंचे सोच से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और आत्मा से भर के प्रार्थना करो। आज अपने पैरों को तो आज तुमने देवी के सामने में चढ़ा दिया है, परमेश्वर के है ये पैरों से। हम चुपचाप ना बैठे, हम चुपचाप ना बैठे, हम अपने अपने स्वरों को ऊंचा करें, ऊंचा करें। जितने के बच्चे इस जगह में आए हुए हैं अपने स्थान में खड़े हो जाए, जितने के बच्चे इस जगह में आए हुए हैं अपने स्थान में खड़े हो जाए।
जिसका पहला बेटा पहला बेटी पाने वाले लोग हैं अपने सामने खड़े हो जाए। मैं आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, तुम्हारे पैरों से पोंछ नहीं लेकिन सर बनेंगे, सर बनेंगे, सर बनेंगे, सर बनेंगे, सर बड़े पोस्ट में जाएंगे, सर बड़े अधिकारी बनेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य जगह में कार्य करता है, उन जगह में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, पहले लोगों परमेश्वर ने
बचाया और जो झूठ का आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा था इसलिए मिस्र के अंदर में परमेश्वर ने पैरों को मार दिया। लेकिन जिनके घर के सामने में लहू लगाया गया था, मेमने का लहू को छिड़का गया था, उनके घर के अंदर से कोई भी पैरों था नहीं मरा। अपने सामर्थ पाने के लिए जितने भी लोग इस जगह में खड़े हुए अपने हाथों को खड़े करें, अपने हाथों को खड़े करें। रिखा माना लगा बहुत शमान देना धन्यवाद। पर्व के समय में परमेश्वर का वचन पर लिखा गया है यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर में तुरंत के बोला तुम पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लेने के लिए तैयार हो जाओ, पवित्र आत्मा लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि इस समय प्रत्येक लोग अपने सामने खड़े हो जाए, प्रत्येक लोग अपने सामने खड़े हो जाए, प्रत्येक लोग अपने सामने खड़े हो जाए और एक दूसरे के हाथ को आप एक दूसरे के हाथ को आप एक दूसरे के हाथ को पकड़ लें, एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिएगा, एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिएगा। राबा बाबा बाबा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा तूने इस जगह में कार्य किया है, पिछले समय से पहले इस साल तुम्हारा सामर्थ्य जगह में उतरेगा, तुम्हारा सामर्थ्य जगह में उतरेगा। मैं परमेश्वर को बात करने के नाते इसके ऊपर मैं ठोक के भी बोलता हूँ पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो। यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को पवित्र आत्मा ले लो। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा के सामने I'm
तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे ऊपर में आएगा, यहां भी आवे सामर्थ आवे, पृथ्वी की छोर तक पड़ेगा वहां पर मुझे। ना तो शक्ति से, पर यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा
आपको नया भाषा मिला है तो अपने हाथ पर खड़े करें। आज अगर आज आपको पवित्र आत्मा का भाषा मिला आप अपने हाथ पर खड़े करें। हालेलुया, जोर से तालियों को बजाना परमेश्वर का धन्यवाद। इसी गली के ऊपर से और आत्मा का टुकड़ा हाथ पहना
जमाना आया, पारण के जमाना आया। सामर्थ्य जगह में बैठा है, यीशु नासरी के नाम से आमीन। बोलिए आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। 28 तारीख को बाग मंडप रहेगा। 28 तारीख को जितने अंधे लूले लंगड़े बहरे गंदी आत्मा से फैले हुए लोग हैं उनको लेकर आओ, छुटकारा को प्राप्त करने जाएंगे यहाँ से। बोलिए ना आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बोले हालेलुया। आप सभी लोगों को आशीष दे। बोलिए आमीन। दूसरे को जय मसीह की बोलिए और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए बोलिए आज मैं यीशु मसीह से मिलने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह से आज बातचीत करने के लिए जगह में आया हूं। मैं आशीषित हूं और मेरा पूरा घराना आशीषित है, मेरा एकता परिवार आशीषित है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जगह में उपस्थित है। जोर से ताले को बजाकर गाना गाया जाएगा। उस समय आप भेंट जरा सा परमेश्वर के भवन में